ये तीन बजट्स की हमारे पास फाइल्स बनी हुई है। इन तीनों बजट्स की फाइल्स से एक चौथी फाइल हो जो इन तीनों डिविजन्स के एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट करके हमारे सामने प्रिंट कर दे। ठीक है, आई रिपीट, ठीक है, हम चाह ये रहे हैं कि हमारे पास ये एक तीन डिविजन्स की रिपोर्ट्स है, सिंपल सी छोटी सी रिपोर्ट्स है। ठीक है, इन तीनों रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो कंसोलिडेट होकर या सम होकर एक चौथी शीट पर आ जाए जो कि हमारे टोटल कंपनी के बजट की शीट हो। ठीक है, ये काम हम करना चाह रहे हैं, बहुत आसान है। हमने सिंपली पहले भी ये बात की है कि हमें लेफ्ट और टॉप की चीजें चाहिए होगी रॉस, तो हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया। पहले मैं एक न्यू टोटल की वर्कबुक मैंने क्रिएट कर ली, ठीक है, इसका नाम बुक 8 है, आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है ना, एक मैंने न्यू बुक क्रिएट कर ली, यहां तक कोई मसला है? न्यू बुक क्रिएट करने में तीनों फाइलें आपके पास खुल चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि यहां पर हमारे पास कंसोलिडेटेड आ जाए, उसके लिए हमें करना यह है कि ये जो लेफ्ट का कॉलम है इसका कॉपी चाहिए। सबसे पहले आपने तीनों फाइल्स खोल लिए, एक न्यू फाइल खोल लें आप लोग, क्योंकि बाद वक्त आप उसी फाइल में कर लेते हैं, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। एक Ctrl+N करके या फाइल में न्यू करके एक न्यू फाइल खोल। हमारे पास देखें एक न्यू बुक आ चुकी है यहां पर। हम चाहते हैं कि इस न्यू बुक में उन तीनों फाइल्स को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, उन तीनों फाइल्स का डाटा लाना चाह रहे हैं, तो हमें सिंपली करना ये होगा, पहले तो हेडिंग्स टाइप करनी होगी। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं हेडिंग्स टाइप करूं, दूसरा ऑप्शन क्या है, वहां से कॉपी कर लें। ठीक है, तो मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा, मैं यहां पर आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ हेडिंग्स को राइट क्लिक किया, कॉपी कर दिया। यहां पर हम आ गए अपनी नई बुक पे और हमने पेस्ट कर दिया। सबसे पहला काम तो आप लोग ये करवाएं ताकि हम आगे बढ़े। अच्छा देखें, हमने यहां पर हमारे पास कॉलम हेडिंग्स, रॉ हेडिंग्स दोनों चीजें आ गई है। अब हम चाहते हैं उन तीनों बुक्स में जो डाटा लिखा हुआ है, उन तीनों बुक्स का डाटा यहां पर टोटल होकर आ जाए, और ऐसी आपको जरूरत पड़ेगी, नॉर्मली हम काम करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो मैं चीज बताऊंगा, जब आप ये कर लेंगे मुश्किल काम, तो आपको बहुत खुशी होगी। ये वही वाली बात बताऊंगा जिस पे लोग खड़े हुए थे, ठीक है ना, तो आपको भी खुशी होगी, कोई खड़ा होना चाहता तो हो सकता है, ठीक है ना। तो अगली क्लासेस में जो कोट कर सकूं, तो पॉइंट ये है कि अभी हम ये चाह रहे हैं कि उन तीनों का कंसोलिडेट होकर यहां पर आ जाए। बिल्कुल सिंपल बात है, हमने कल की क्लास में इसको प्रैक्टिस भी किया। हमने सिंपली क्या कर दिया, इक्वल्स टू, ठीक है, डिवीजन वन का बुक्स प्लस डिवीजन 2 का बुक्स, डिवीजन 2 के जनवरी का बुक्स रादर, प्लस डिवीजन 3 के जैन का बुक्स। अब आप एंटर मैंने किया, ये बेसिकली फॉर्मूला हमें लिखना। हमने कल दो बातें की थी, मैं इसको आपको बताता भी हूं स्टेप्स क्या किया। मैंने सबसे पहले तो इक्वल्स टू प्रेस किया, इक्वल्स टू में आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप दो तरीके से बुक्स के बीच में मूव कर सकते हैं, एक तो माउस को यूज करते हुए आप मूव कर सकते हैं, दूसरा हमने कल की क्लास में एक चीज डिस्कस की थी, कंट्रोल टैब के थ्रू भी आप शीट्स के बीच में मूव कर सकते हैं। आप माउस के जरिए दूसरी शीट सेलेक्ट करें, उसका जो भी सेल सेलेक्ट करना है, यहां पर हमारे केस में वो था B4, ठीक है, हमारे केस में B4 था, हमने B4 सेलेक्ट किया। आपके केस में हो सकता है कि कोई और हो, आपको वो अप्रोप्रिएट सेल सेलेक्ट करना है, और फिर दूसरी बुक में आना, वहां का सेल सेलेक्ट करना है, तीसरी बुक में आना, वहां का सेल सेलेक्ट करना। तीनों का सेल सेलेक्ट करके आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास यहां पर उसका सबने, जैसे कुछ लोगों ने क्विकली क्या किया कि इसको कॉपी करके, मतलब इक्वल्स टू का साइन डाल के सब जगह कर दिया। अच्छा, अब हम इसको कॉपी करने जा रहे हैं, ठीक है, मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूं, क्या होगा, कॉपी हो जाएगा? उप्स, ये मसला हो गया, ये कॉपी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक्सक्यूज, दोनों सेलेक्ट करूंगा तो भी यही होगा जनाब। अभी देखें इसमें क्या है कि हमने कल ये डिस्कस किया था, लेकिन कल हम इस बारे में इतना ज्यादा क्लियर नहीं थे कि जब हम किसी दूसरी बुक से कोई लिंक लाते हैं तो वो ऑलरेडी एब्सोल्यूट होता है। लुक एट दिस, लुक एट B4, $B, $4,
वो ऑलरेडी क्या चीज है, एब्सोल्यूट है, ठीक है ना। उसके बाद हम जो दूसरी बुक का भी देख रहे हैं वो भी एब्सोल्यूट है। अब तीनों के तीनों को हमको एब्सोल्यूट से क्या करना है, हमें रिलेटिव करना, ठीक है। एक चीज तो हमने देखी थी कि एक सेल को अगर हमें रिलेटिव करना है, उस सेल पे क्लिक करके F4 कर देंगे तो भी हट जाएगा। इस पूरे को करना है तो हम पूरे को सिलेक्ट करके, चाहे आप माउस से इनको सिलेक्ट कर लें, मैंने माउस लिया और पूरे फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने F4 प्रेस किया है, F4 प्रेस किया, F4 प्रेस किया। अब आप देखें तीनों के तीनों B4 से क्या हो गया, डॉलर साइंस हट चुके हैं, ठीक है। क्लैरिटी इसके अंदर तीनों के तीनों F जो हमारे पास B4 का एड्रेस लिखा हुआ था उसमें डॉलर साइंस थे, वो हट चुके हैं। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूं नीचे, और आप देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल्स आ चुके हैं, ठीक है ना। इसको मैं राइट साइड पे भी कर सकता हूं, मैंने सेलेक्ट किया, आप सारा सेलेक्ट कर लेंगे। F4 जैसे ही प्रेस करेंगे, फर्स्ट टाइम वो रॉ से हटाएगा डॉलर, दूसरे टाइम वो कॉलम से हटाएगा, और फाइनली दोनों से डॉलर्स आपके हट जाएंगे। तीन मरतबा आप देख लें, वहां डॉलर जब हट जाए, वैसे तीन मरतबा आई है, लेकिन आप देख करेंगे तो ज्यादा आपको क्लैरिटी उसके अंदर होगी। जब डॉलर सबसे हट जाए तो आप उसको सेलेक्ट करके ओके कर दें, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बुक्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद शीट के नाम आ रहे हैं। हमने पहले क्या बात की थी, कल भी ये बात की थी, दोबारा मैं कर रहा हूं ये बात, कि हमारे पास बुक नेम होता है, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी के अंदर शीट नेम होता है, ठीक है, फिर एक्सक्लेमेशन साइन होता है, फिर एड्रेस होता है। और मेरे हिसाब से अपोस्ट्रॉफी हमारे पास शीट नेम के पास नहीं होता, उससे पहले होता है। जब भी हम कोई एक्सटर्नल बुक से लेते हैं, जब भी हम कोई एक्सटर्नल बुक से लिंक लेते हैं, तो उसमें होता ही है हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल होती है। सबसे पहले बुक नेम होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद शीट नेम होता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, जो बुक नेम और शीट नेम अपोस्ट्रॉफीज के अंदर इंक्लोज होते हैं, और आखिर में एड्रेस होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ समझने के लिए, आपने लिखना नहीं। अब पॉइंट ये है कि अभी इस वक्त ये शीट खुली हुई, ये बुक जो है ओपन्ड है। जब आपने कोई लिंक लिया होता है, उसकी बुक्स ओपन्ड होती हैं, तो वहां पर सिर्फ बुक नेम आ रहा होता है। आई रिपीट, जब आपने फॉर्मूला के अंदर किसी ऐसी बुक से लिंक लिया होता है जो ऑलरेडी ओपन्ड है इस वक्त, तो उस बुक का क्या आ रहा होता है, नेम आ रहा होता है। जैसा यहां पर आ रहा है division1budget.xls, दैट इज द बुक नेम, ठीक है ना। अगर ये बुक बंद हो जाएगी तो उस सूरत में उस बुक का पूरा पाथ आएगा। पाथ से मुराद ये है कि ये बुक किस जगह स्टोर्ड है, उसका नाम क्या है। मैं एक डेमो आपको करके बता रहा हूं, ठीक है ना। हम आ गए division 1 के अंदर, ठीक है। division 1 को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, सही। division 1 को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप फॉर्मूला देखें कैसा हो गया, लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हुआ यह है C:\Documents&Settings\User20\Desktop\Excel2009\Consolidation\Samples\Book का नाम, और उसके बाद डिटेल्स, ठीक है। इसकी वजह क्यों, क्या है कि वो फाइल क्लोज है, आपका फॉर्मूला इस वजह से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। आपकी फाइल्स क्लोज है, आप उसको ओपन कर लेगे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये फॉर्मूला बड़ा। अब मैं आपसे जो है ना, एक कुछ जो अभी हमने काम किया उसके ड्रॉबैक्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। कभी जो काम किया उसमें कुछ मसाइल है, ठीक है, उस मसाइल का हल भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया, आप लोग प्लीज जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दें कंप्यूटर्स को प्लीज, ठीक है ना। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, ठीक है। हमने इसको नीचे कॉपी किया, अब आप देखें आपके पास ये कॉपी हो गया, बहुत अच्छी बात हुई, खुशी भी हुई कि इतने सारे सेल्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो गए, कोई मसला नहीं है यहां तक। लेकिन ऐसा हो सकता है कि division 2 सॉफ्टवेयर सेल करता ही ना हो, और ऐसा हो सकता है कि division 3 के पास एक और कैटेगरी हो, कि पेन्स की कैटेगरी हो, फाउंटेन पेन्स की कैटेगरी हो, या कोई और, ठीक है।
ठीक है ना, तो वो हमारे पास यहां पर एरर आ जाएगा, मतलब एरर नहीं आएगा और आ जाएगा। एक तो सिंटैक्स एरर होता है कि वो आपको चिल्ला के बताता है भाई ये एरर है इसको सही कर लो, वो अच्छा होता है। एक वो खामोश जहर जो होता है वो बहुत बुरा होता है, वो आपको करके तो दे देगा लेकिन रिजल्ट बेसिकली सही नहीं होगा। तो बेसिकली अगर किसी बुक के अंदर ऐसा है कि आपके पास कोई डिफरेंट सेल है तो वो यहां पर इनकॉर्पोरेट नहीं होता, जो कि इस तरह कॉपी पेस्ट करने का एक मसला है। ठीक है ना, क्लैरिटी है या कोई मसला है इसके अंदर?